गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग वीडियोस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 4, जिसका नाम है इंडियन वीवर्स, यानी कि भारतीय जुलाहे, जिसमें लिखी है सरोजनी नायडू। इस कविता में सरोजनी नायडू और जुलाहों के बीच में वार्तालाप को दिखाया गया है। इसमें कवित्री कविता में मनुष्य के जीवन की तीन अवस्थाओं का वर्णन करती है। तीन अवस्थाएं हैं, जन्म, मृत्यु तथा विवाह। कवित्री जुलाहों से कुछ प्रश्न करती हैं। जुलाहे उसे बताते हैं कि वह नवजात शिशु के लिए कपड़ा प्रातः काल के समय में बुनते हैं, वे शाम के समय में रानी के विवाह के कपड़े बुनते हैं और रात्रि के समय में मृत व्यक्ति के कफन के लिए कपड़ा बुनते हैं। तो चलिए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। लिखा है, वीवर्स वीबिंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीब ए गारमेंट सो गे। पहली जो दो लाइन है इसमें सरोजनी नायडू जुलाहों से कहती है कि वीवर्स मतलब जुलाहे, वीबिंग एट ब्रेक ऑफ डे, तुम प्रातः काल के समय में, व्हाई डू यू वीप, वी मतलब बुनते हो, ये गारमेंट मतलब वस्त्र, सो गे, गे मतलब का मतलब है चमकीला। कहते हैं कि तुम प्रातः काल के समय में इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। जुलाहे उत्तर देते हैं इन दो लाइन में, अंतिम दो लाइन में जुलाहे कहते हैं कि ब्लू एज द विंग ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, We weave the robes of a newborn child। कहने का मतलब यह है कि ब्लू मतलब नीला, as the wing, wing मतलब पंख ऑफ ए हेल्सियन वाइल्ड, वाइल्ड मतलब एक जंगली पक्षी होता है हेल्सियन। तो कहते हैं कि हेल्सियन नामक जंगली पक्षी के पंखों के समान नीले रंग का कपड़ा, We weave the robes of a newborn child, हम लोग एक नवजात शिशु के लिए बुनते हैं, हम लोग एक नवजात न्यू बार्न चाइल्ड नवजात शिशु के लिए रोब्स मतलब कपड़ा बुनते हैं या वस्त्र बुनते हैं। फिर सरोजनी नायडू पूछती हैं कि वीबर्स वीबिंग एट फॉल ऑफ नाइट, यानी कि तुम फॉल ऑफ नाइट मतलब हो जाएगा शाम के समय में, जुलाहे तुम शाम के समय में, व्हाई डू यू वीव, वी मतलब बुनते हो, ये गारमेंट मतलब वस्त्र, सो ब्राइट, ब्राइट का मतलब यह है चमकीला, तुम शाम के समय इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुनते हो। फिर जुलाहे उन्हें उत्तर देते हैं कि लाइक द प्लम्स ऑफ ए पीकॉक, लाइक मतलब समान, प्लम्स मतलब पंख, एक मोर के पंख के समान, जिसका पंख होता है पर्पल एंड ग्रीन, बैगनी और हरा, यानी कि मोर के पंखों के समान बैगनी और हरे रंग का कपड़ा, वी वीव हम लोग बुनते हैं द मैरिज वेल्स ऑफ ए क्वीन, एक रानी के वस्त्र, यानी कि हम लोग एक रानी के विवाह के लिए वस्त्र, यहाँ पे जो वेल्स दिया है, वेल्स मतलब घूंघट होता है, तो घूंघट का मतलब यही है कि हम लोग रानी के लिए शादी का कपड़ा बुनते हैं। वीवर्स तीसरे स्टेंजा में सरोजनी नायडू जुलाहों से कहती हैं कि वीवर्स जुलाहे वीबिंग सोलम एंड स्टील, तुम लोग इतना गंभीर, सोलम मतलब गंभीर एंड स्टील मतलब शांत, इतना गंभीर और शांत होकर, व्हाट डू यू वीव, तुम लोग क्या बुनते हो, इन द मून लाइट चील, मून लाइट मतलब चांदनी रात और चील मतलब ठंड, इस ठंडी चांदनी रात में तुम लोग इतना गंभीर और शांत होकर क्या बुनते हो। जुलाहे उत्तर देते हैं कि व्हाइट एज ए फेदर एंड व्हाइट एज ए क्लाउड, पंख के समान सफेद और बादल के समान सफेद, वी वीव ए डेड मैन्स फ्यूनरल शराउड, हम लोग एक मृत व्यक्ति के लिए, फ्यूनरल शराउड का मतलब होता है कफन, हम लोग एक मृत व्यक्ति के लिए कफन बुनते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और इसको शेयर करते रहिए उन लोगों के पास जिनको मेरी वीडियोस की बहुत जरूरत है।